ये बताइए क्या मकसद है कश्मीर में घूमने का? हालांकि इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं आप, लेकिन अब कश्मीर में रैलीज कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलीज, एम्स के दौरे, साउथ कश्मीर में घूमना, बिजबिहाड़ा, अनंतनाग, सब जगह, क्या मकसद क्या है? अब बताइए रेस्पॉन्स कैसा है? ये आपने सुना दी बड़ी बात है, रेस्पॉन्स कैसा है साउथ कश्मीर? एक बात अगर पूरी बात सुनेंगे, गरीबों को छत बना के दे रहे हैं मकान, वो हमने सुना, 9 साल से सुना वो हमने। ये बताइए साउथ कश्मीर का रेस्पॉन्स कैसा है? ये मैं जानना। आपने सवाल पूछा है तो मुझे जवाब देने का हक है, इसलिए जब मेरा सवाल पूरा हो जाएगा तो तब तक तो आपको भी सुनना पड़ेगा। बहुत अच्छे लोग हैं वाद ये कश्मीर के। मकसद क्या है घूमने का साउथ कश्मीर का? लगातार आप दौरे कर रहे हैं, इलेक्शन कहीं पे भी नहीं है, जब आपसे बात पूछी जाती है इलेक्शन के आप बोल रहे हैं, इसी ने कॉल दिया, अमित शाह साहब ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात जब सामान्य होंगे, अब तो हालात सामान्य है, G20 इवेंट कराना बहुत बड़ी बात है, सक्सेसफुली हो गया, इलेक्शन करवाइए। आप पे इल्जाम लगते हैं कि आपके साथ कोई भी नहीं है इसलिए आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, वो क्या देखिए ऐसी बातें क्यों चल रही है, ऐसी अफवाहें क्यों चल रही है? घर घर से नौजवान निकले, बुजुर्ग निकले और हमारे प्रोग्राम में आ गए, वो लोग अनंतनाग में, वो लोग आपके साथ अनंतनाग, वो लोग रविंदर रैना के साथ हैं या बीजेपी के साथ? अब आप रविंदर रैना को और बीजेपी को अलग अलग, इसीलिए बोल, देखो कोई कोई लोग जो है किसी नेता के साथ भी होते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग आपके साथ हैं, रविंद्र रैना के साथ हैं, भाजपा के साथ नहीं है, इसीलिए भाजपा इलेक्शन नहीं करवा रही है? इंसाफ के दायरे में काम करता हूं, गरीब गस्थान खुश, मुझे ये मेरा मकसद है, ये मेरा मिशन। सवाल ये भी है, गरीबों का भला होना चाहिए, गरीब गस्थान खुश, सवाल उस पर रहमत करो, गरीब पर रहमत करो, गरीब का भला करो, जिसका कोई नहीं है उसकी मदद करो और दिल से करो, दिल से। इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, हो सकता है कश्मीरी लोग आपके साथ हो, भाजपा के साथ नहीं हो, इसीलिए अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ये बोल रही हैं कि भाजपा डर रही है इलेक्शन नहीं करवा रही। कश्मीर के लोगों ने पिछले 35-40 सालों में बहुत जुल्म सहे, इस्तेसाल हुआ है लोगों के साथ। हालात है कश्मीर के, देखिए हालात तो पहले से बहुत ज्यादा ठीक है। इलेक्शन को क्या देखा? एक जमाना था कि बंद हड़तालें ही होती थी, बाजार, गांव, शहर, दुकानें, स्कूल, सड़कें सब बंद होते थे, आज सब जगह रौनकें हैं। फिर इलेक्शन करवाने में क्या दिक्कत आ रही? होता था कि यहाँ एक साजिश के तहत पत्थरबाजी कराई जाती थी, आज सब जगह खुशनुमा माहौल है, लोग खुश हैं, कोई नहीं चाहता कि किसी के घर के बाहर गोली चले, कोई नहीं चाहता कि किसी का बच्चा जाके संघबाज बने, कोई नहीं चाहता, सब लोग चाहते हैं। फिर क्या दिक्कत है? इलेक्शन नहीं हो रहे, फिर क्या दिक्कत? इलेक्शन मैं चाहता हूँ इलेक्शन हो, कल के बजाय आज, तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन करे, बीजेपी तैयार। आपने ऐसे क्या एफर्ट्स दिखाया कि आपसे भी लगे कि भाजपा चाहती जम्मू कश्मीर इलेक्शन हो जाए? क्योंकि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज दिल्ली गई, मेमोरेंडम पेश किया कि इलेक्शन करवाओ, आपने क्या क्या लगा? काम करता हूँ मैं लोगों की परेशानियां दूर करता हूँ, लोगों की तकलीफें दूर करता हूँ। परेशानी एक है ना कि चुनी हुई सरकार नहीं, ये भी एक परेशानी। हम लोगों के खादम है जनाब, खिदमतदार है, एक चुनी हुई सरकार भी होनी चाहिए, हम तैयार। आपने क्या एफर्ट लगाए? हम एफर्ट क्या लगाए? इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करते हैं कि तारीखों का ऐलान किया जाए और जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात कराए जाए। डॉक्टर फरद अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर कश्मीर का मसला हल करना, कश्मीर में अमन सुकून चाहिए तो पाकिस्तान से बात करें। जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले G20 का इवेंट होता है और उस इवेंट को सक्सेसफुली कराया गया जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में खासकर, और उसके बाद भाजपा लगातार कश्मीर में रैलीज कर रहे हैं और खासकर रविंदर रैना साउथ कश्मीर घूम रहे हैं। अब मुझे बताइए, साउथ कश्मीर किसी टाइम पे बहुत खतरनाक इलाका होता था, मिलिटेंसी से भरा हुआ, आज जब उसी साउथ कश्मीर में घूम रहे हैं और G20 इवेंट जो है सक्सेसफुली कश्मीर में हुआ, ये बताइए क्या मकसद है कश्मीर में घूमने का? हालांकि इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं आप, लेकिन अब कश्मीर में रैलीज कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलीज, एम्स के दौरे, साउथ कश्मीर में घूमना, बिजबिहाड़ा, अनंतनाग, सब जगह, क्या मकसद क्या आपका? जनाब कश्मीर के लोग हमारे लोग हैं और कश्मीर के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं और हमेशा इंसानियत को उन्होंने बहुत इज्जत और एहतराम किया है, बहुत अच्छे लोग हैं वाद ये कश्मीर के। मकसद क्या है घूमने का साउथ कश्मीर का? लगातार आप दौरे कर रहे हैं, इलेक्शन कहीं पे भी नहीं है, जब आपसे बात पूछी जाती है इलेक्शन के आप बोल रहे हैं, इसी ने कॉल देनी है, जब इवेंट का बात आता है सक्सेसफुली G20 हुआ, अमित शाह साहब ने कहा कि G20 अमित शाह साहब ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात जब सामान्य होंगे, अब तो हालात सामान्य है, G20 इवेंट कराना बहुत बड़ी बात है, सक्सेसफुली हो गया, इलेक्शन करवाइए। अब मैं पहले आपके उस सवाल का जवाब देता हूं जिसमें आपने पूछा था कि
वादी कश्मीर के अंदर आपके लगातार दौरे, वादी कश्मीर जो है ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और बीजेपी के प्रेसिडेंट होने के नाते से मैं अक्सर कश्मीर के अलग अलग एरियाज में जाता हूं। इन तमाम एरियाज में लगातार भारतीय जनता पार्टी का सदर होने के नाते से वहां हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम वादी कश्मीर में हुए हैं, गरीब मस्कीन ज़ईफ और ज़रूरतमंद लोगों की सुनवाई हो रही है, जिस तरीके से मोदी हुकूमत ने गरीब लोगों की बेहतरी का काम किया है, चाहे वो गरीब लोगों को फ्री राशन हो। चलिए मुझे बताइए रिस्पांस कैसा है। रिस्पांस कैसा है साउथ कश्मीर का? एक बात अगर पूरी बात सुनेंगे तो जो मोदी साहब ने काम किए हैं गरीबों के, गरीबों को फ्री राशन, गरीबों को छत बना के दे रहे हैं मकान, वो हमने सुना, 9 साल से सुना वो हमने। ये बताइए साउथ कश्मीर का रिस्पांस कैसा है, ये मैं जानना चाहता हूं। आपने सवाल पूछा है तो मुझे जवाब देने का हक है, इसलिए जब मेरा सवाल पूरा हो जाएगा तो तब तक तो आपको भी सुनना पड़ेगा। देखिए मोदी साहब ने जो वादी कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के काम किए हैं, गरीब लोगों को फ्री राशन, गरीब लोगों का मकान बनाना, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम्स का निर्माण होना, और जो गरीब लोग आम लोग शहर के हों या गांव के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पहाड़ी कबीले का हो या गुजर बकरवाल हो, सबके जब मसाइल हल हो रहे हैं, सबके साथ इंसाफ हो रहा है और इंसाफ करने वाली हमारी हुकूमत है, तो इसलिए जब हमारे प्रोग्राम होते हैं तो लोग उसमें शामिल होते हैं, लोगों को लगता है कि ये इंसाफ देने वाले लोग। सवाल ये है कि आप अनंतनाग गए, कहीं भी गए तो मैंने वो राशि देखा, लोग आपके साथ थे, लेकिन आप पे इल्जाम लगते हैं कि आपके साथ कोई भी नहीं है इसलिए आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, वो क्या फिर? देखिए ऐसी बातें क्यों चल रही है, ऐसे अफवाहें क्यों चल रही है? जब मैं शोपियान गया तो ये पब्लिक का जनसैलाब उमड़ के आया, कुलगाम में गया घर घर से नौजवान निकले, बुजुर्ग निकले और हमारे प्रोग्राम में आ गए। सवाल अनंतनाग में वो लोग आपके साथ, अनंतनाग वो लोग रविंदर रैना के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं? अब आप रविंदर रैना को और बीजेपी को अलग अलग, इसीलिए देखो कोई लोग जो है किसी नेता के साथ भी होते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग आपके साथ हैं, रविंद्र रैना के साथ हैं, भाजपा के साथ नहीं है इसीलिए भाजपा इलेक्शन नहीं करवा रही है? मेरा एक मिशन है गरीब की मदद करना, गरीब से हमदर्दी करना, आप ऐसा इलेक्शन, गरीब से मोहब्बत करना, जरूरतमंद की परेशानियां दूर करना, हर उस शख्स का मददगार बन के काम करना जिसको हमारी जरूरत है, जो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाता है उसके लिए लड़ना, उसके लिए मैं बोलता हूं। इसलिए मैं हर जगह जाता हूं, गरीब हो अमीर हो सब मुझे मिलते हैं और मैं सब लोगों के साथ होता हूं, इंसाफ के दायरे में काम करता हूं, गरीब गस्त थाउन खुश, मुझे ये मेरा मकसद है, ये मेरा मिशन। सवाल ये भी है, गरीबों का भला होना चाहिए, गरीब गस्त थाउन खुश, उस पर रहमत करो, गरीब पर रहमत करो, गरीब का भला करो, जिसका कोई नहीं है उसकी मदद करो और दिल से करो, दिल से। इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, हो सकता है कश्मीरी लोग आपके साथ हो, भाजपा के साथ नहीं हो, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज ये बोल रही हैं कि भाजपा डर रही है, इलेक्शन नहीं करवा रही है। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अमन पसंद लोग, आपके साथ है भाजपा के साथ, खुशहाली लाने वाले लोग हैं, बहुत ईमानदार और दयानदारी रखने वाले लोग हैं। मैं कश्मीर के लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूं और मुझे कश्मीर के लोगों की बहुत इज्जत है, एहतराम है। डॉक्टर फरद अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर कश्मीर का मसला हल करना, कश्मीर में अमन सुकून चाहिए तो पाकिस्तान से बात करनी है। देखिए मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को
एक बात का उनको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हिंदुस्तान ने तो हमेशा अपने हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे, हिंदुस्तान ने हमेशा अपने हमसाया मुल्कों का पूरा ख्याल रखा। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो आज प्रधानमंत्री होता है, पता नहीं वो कल सुबह जेल में होगा कि पाकिस्तान से उसको बरतरफ करके बाहरी मुल्कों में भेज दिया जाता है। तो बात करना जरूरी तो पाकिस्तान से। जो कल तक आपने दुनिया ने देखा, जो कल तक पाकिस्तान के वजीर आजम थे इमरान खान, और वजीर आजम की कुर्सी से हटे तो वही कमांडो जो उनको एक रोज पहले तक सलूट करते थे, वही उनको गले से पकड़कर घसीट के उनको जेल में बंद कर रहे हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। और मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं एक गुजारिश करूंगा, जनाब आप एक बड़े सियासतदान हो, हमें उनकी फिक्र छोड़ो, हमें अपने लोगों की फिक्र करनी है, हमें कश्मीर के बच्चों की फिक्र करनी है, अपने नौजवानों का अच्छा मुस्तकबिल बनाने के लिए कोशिश करनी है, अपने लोगों को दरपेश मुश्किलात दूर करने के लिए हमको मेहनत करनी है। हमने गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों का दर्द बांटना है, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, इसके लिए हमको यहाँ काम करना है, हमको कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है, हमें अपना घर ठीक रखना है, अपने घर को अच्छा बनाना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है। यहाँ आज जो वादी कश्मीर में एक बीमारी जो ड्रग्स की फैल रही है, इस नशे की जो बीमारी है, इससे अपने बच्चों को हमने बचाना है। मैं लगातार अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियान हो, श्रीनगर हो, मैं अलग अलग कॉलेजेस और स्कूलों के बच्चों से मिल रहा हूँ, उनके वालदेन से मिल रहा हूँ, उनको गुजारिश कर रहा हूँ इस नशे की इस बीमारी से बचो, इस तूफान से बचो, हमको अपने घर को ठीक करना है। उनका अपना घर है, वो देखें उनको क्या करना है। और अगर आप उनसे बात भी करोगे तो किससे करोगे मुझे बताओ? जो जेलों के अंदर हैं उनसे करोगे या जो जेलों के बाहर हैं उनसे करोगे? आप पे एक और इल्ज़ाम लगता है कि आपने G20 को हाईजैक किया और जो उन दिनों कश्मीरी थे उनको बंद रखा। जब यहाँ G20 कश्मीर के अंदर मुनक्किद हुआ, मैं खुद यहाँ आया था, पूरे कश्मीर के अंदर ज़बरदस्त चहल पहल थी। मैं डल झील के किनारे किनारे पैदल निकला था, लाल चौक के अंदर गया, पोलो मार्केट में गया, और जितना डाउनटाउन का एरिया है मैं वहाँ गया, कांवरवाड़ी गया, बटमालू गया, मैं सोनवार गया, मैं हर जगह मैंने देखा, लोगों के चेहरे पर ज़बरदस्त खुशी थी। और वो खुशी इसलिए थी कि पिछले 35-40 सालों में पूरी दुनिया में कश्मीर और कश्मीरियों को बदनाम किया गया, कश्मीर के खिलाफ और कश्मीरियों के खिलाफ पूरी दुनिया में पिछले 35-40 सालों में बहुत साजिशें हुई, बहुत खून बहाया गया, बहुत यहाँ लाशों के अंबार लग गए, और पूरी दुनिया में कश्मीरियों का दर्द किसी ने नहीं समझा। लेकिन कश्मीरियों को यहाँ जख्म दिए गए, कश्मीरियों के जख्मों पर मरहम किसी ने नहीं लगाया, कश्मीरियों के जख्मों पर यहाँ नमक छिड़का गया जनाब। हमने कोशिश की, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जख्म पिछले 35 साल और 40 साल में यहाँ कश्मीर को दिए गए, उन जख्मों पर मरहम लगा के कश्मीर के लोगों की बेहतरी का काम करें। आज जब G20 में दुनिया के 20 ताकतवर मुल्क कश्मीर घूमने के लिए आए और टूरिज्म की उन्होंने यहाँ बड़ी कन्वेंशंस की, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कश्मीर के खुशनुमा माहौल, कश्मीर के खूबसूरती से ओत प्रोत यहाँ के मंजर, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, यहाँ के लोगों की खुशहाली उन्होंने देखी, और एक मैसेज पूरी दुनिया में चला गया कि कश्मीर खुशहाल है, अमन, चैन, भाईचारे और मोहब्बत से रहने वाला कश्मीर है,
और कश्मीर के जैसी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में नहीं है, और ये पैगाम पूरी दुनिया में गया है। और इसका फायदा ये होगा कि जो लोग दुनिया भर से, कोई अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जापान, ऑस्ट्रेलिया जाते थे टूरिस्ट के नाते से घूमने, वो सब वादी कश्मीर में आएंगे, और वो दिन फिर लौट आएंगे जब यहाँ कभी राजेश खन्ना साहब, शमी कपूर साहब, अमिताभ बच्चन साहब आते थे, बॉलीवुड की यहाँ फिल्में बनाई जाती थी। अब सवाल ये है कि आप उस दिन वो डल झील घूम रहे थे, और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह ने ये क्लेम किया कि वो डल झील घूम रहे थे और कश्मीरी बंद थे, अब वो सही है या आप सही हैं? देखिए, मैं कभी किसी की तनकीद नहीं करता, मैं सबकी इज्जत करता हूं। शाह साहब एक बड़े सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, और वो हकीकत को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो वो सही है। फिर कभी कभी कोई सियासी मजबूरी भी होती है, इसलिए मैं कोई बहुत ज्यादा, मेरी आदत नहीं है किसी को तनकीद करना, मैं अपना काम करता हूँ। हमें अपना काम करना है, गरीबों, ज़ईफों, अब जो मकसद है कश्मीर को, जो है एक जम्मू कश्मीर को जो नई सरकार चाहिए, आप भी बड़े रैलीज कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि इन रैलीज का फायदा क्या है जब इलेक्शन ही होंगे? क्या आपने आपने ऐसे क्या एफर्ट्स दिखाए कि आपसे भी लगे कि भाजपा चाहती जम्मू कश्मीर इलेक्शन हो जाए? क्योंकि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज दिल्ली गई, मेमोरेंडम पेश किया कि इलेक्शन करवाओ, आपने क्या किया? जनाब, मैं जब यहाँ शहर के शहर जाता हूँ, जब मैं श्रीनगर आता हूँ, अनंतनाग जाता हूँ, कुलगाम, शोपियान जाता हूँ, रजौरी, पुंछ जाता हूँ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन जाता हूँ, या बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, गांधरबल जाता हूँ, दुनिया निकल के आती है, दुनिया मिलने के लिए आती है। मैं लोगों के काम करता हूँ, मैं लोगों की परेशानियां दूर करता हूँ, लोगों की तकलीफें दूर करता हूँ। परेशानी एक है ना कि मैं चुनी हुई सरकार नहीं, ये भी एक परेशानी। हम लोगों के खादम है जनाब, खिदमतदार हैं। एक चुनी हुई सरकार भी होनी चाहिए, हम तैयार। आपने क्या एफर्ट लगाए उसके लिए? हम एफर्ट्स क्या लगाए? इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करते हैं कि तारीखों का ऐलान किया जाए और जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात कराए जाए। और आप जीतेंगे? यकीन है मुझे। या जो आजकल खबरें चल रही है एनसी और बीजेपी अलायंस करेगी, जब लोगों का, आवाम का प्यार मोहब्बत बीजेपी को होगा, हमें लोग प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, लोग हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, और हम लोगों के खादम हैं, खिदमतदार बन के काम कर रहे हैं, यकीनन मुझे यकीन है कि लोग हमें सपोर्ट करेंगे, लोगों की दुआएं और एनसी की हेल्प, गरीबों की हमें मिलेंगी। कभी एनसी की हेल्प लेंगे सरकार बनाने में? जब हमारे अपने ही 50 के पार होंगे तो हमें जरूरत नहीं। अगर हेल्प ली तो क्या करेंगे उसके बाद? ये इंटरव्यू में रिकॉर्ड रखूंगा। मुझे लगता है कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसके बाद क्या? मुझे लगता है जब मेरे अपने 50 होंगे जनाब, तो मुझे जरूरत नहीं। पूरे वादी कश्मीर से आप देखना, जबरदस्त जो है इस बार आपको नतीजे असेंबली इलेक्शंस में नजर आएंगे, और एक नई लीडरशिप, एक नौजवान यंग लीडरशिप, गांव की, आम लोग, एक आम लोग जो गरीब हैं, एक और नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो एक नई लीडरशिप आपको पूरी वादी कश्मीर में नजर आएगी। एक और सोर्सेस बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नवंबर दिसंबर इलेक्शन हो सकते हैं, क्या खबर सही हो सकती है? क्योंकि अफवाहें हमेशा जम्मू कश्मीर, मैं तो कहता हूं जनाब, नवंबर दिसंबर दूर है, जल्दी कराए, अगस्त में ही हो जाए तो अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया।